स्टार्ट तो हमने कल जो है कल जो है हमने नया एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी आज उसका लेक्चर सेकंड है तो ये आपके बुक का क्लास नाइन्थ का टेंथ चैप्टर है सो लेट्स मूव अहेड हमने क्या पढ़ा था वो आप लेक्चर फर्स्ट में फिर से देख सकते हो रिवाइज कर सकते हो तो आज हम लेक्चर सेकेंड करने जा रहे हैं तो इसमें फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ बेबी क्योंकि तो हम वर्क की बात की थी कर रहे थे तो अगर हम हमारे पास एक बच्चा है अ बेबी ठीक है एक कैन से तो ये क्या कर रहा है तो इसने एक टॉय देखा फॉर एग्जांपल उसने एक गाड़ी देखी ठीक है तो उसने एक गाड़ी देखी तो उस गाड़ी को ये बच्चा जो है इसको ये खींच रहा है और इसको ये अपनी ओर खींच रहा है ठीक है तो फोर्सेस अप्लाइंग और इसकी मोशन भी वहीं से हो रही है सो व्हाट इज हैपनिंग सो विल राइट इट व्हाट इज हैपनिंग बेबी इज पुलिंग अ कार बेबी इज पुलिंग अ कार ये कार को खींच रहा है एक टॉय है ये ठीक है एक टॉय है ये तो इसको ये खींच रहा है अपनी ओर खींच रहा है तो इसमें क्या हुआ इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है जो कार है इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी ये मूव कर गए एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स यानी यहां जहां से इसको फोर्स लग रहा है तो वहीं से इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया हमने कल कहा था दो चीजें होनी चाहिए तभी हम इसका उसको वर्क कहेंगे एक तो वहां पे फोर्स लगना चाहिए दूसरा वहां पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो गया और फोर्स भी लगा यहाँ पे जो काम हुआ जह, जहां जहा पे फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ और जो फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ सो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव इसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क ठीक है इसको हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं यानी जब फोर्स लगे और फोर्स भी फोर्स से डिस्प्लेसमेंट हुआ और डिस्प्लेसमेंट हुआ उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था ठीक एक तो ये बात हो गई दूसरी बात है एक स्पीडी कोई ऑब्जेक्ट है वो बहुत स्पीड से कैन बी एनीथिंग तो इसकी स्पीड है और ये स्पीड से जा रहा है सो इट्स मूविंग इन अ यूनिफॉर्म वेलॉसिटी इसकी एक यूनिफॉर्म मोशन है तो अचानक से कुछ हो गया कि इसको खुद से ब्रेक्स लगे ब्रेक, ब्रेक लगाए इसके अंदर जो बैठी हुई सवार थी इसको ब्रेक लगा तो जो स्पीड थी वह कम हो गया इसका अपोजिशन हो गया सोल राइट इट एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एक डायरेक्शन में जा रहा था एक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था तो क्या हो गया एंड अपोजिट और वी कैन से रिटार्डेशन फोर्स ज अप्लाइड इस पर एक अपोजिट फोर्स अप्लाई हो गया रिटार्डेशन फोर्स अप्लाई हो गया लाइक अ ब्रेक तो इसको क्या हो गया तो इसका जो डिसमेंट ऑफ्टर ऑफ्टर हैविंग ल लिटिल डिसप्लेसमेंट ठीक है तो ये फिर इट स्टॉप्स यानी इसको ब्रेक लगी धीरे-धीरे इसकी स्पीड कम हुई और अचानक से फुल स्पीड इसकी खत्म होगी जीरो हो गई और ये बिल्कुल रुक गया ठीक है अब यहां पे जहां पे काम हुआ बट जहां से फोर्स को पहले लग रहा था अब उस फोर्स के अपोजिट एक फोर्स लग रहा है जो पहली वाले फोर्स के मोशन को अपोज कर रहा है यानी पहला वाला फोर्स को आगे बोल रहा आगे जा और जो लास्ट में हमने फोर्स लगा वो अपोजिट डायरेक्शन से तो इससे जो काम हुआ वो क्योंकि अपोजिट है सो सच अ टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड दिस वर्क डन इज टू बी नेगेटिव इस वाले काम को हम नेगेटिव वर्क कहते हैं तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो एक एग्जाम्पल हम लेंगे कि हमारे पास एक बुक है ठीक है तो हमारे पास एक एक बुक है ओके okay. तो इस बुक को हम क्या करेंगे हम इसको लिफ्ट करेंगे तो इसको हमने लिफ्ट किया और यहां तक हमने इसको पहुंचा दिया ठीक है एग्जाम्पल हमारी बुक जो है अब वो यहां पे है ठीक है तो हमारा इसको ऊपर ले जाने में जो फोर्स लगा ये हमारा ऊपर वाली डायरेक्शन में इसको एक फोर्स लगा तो उसी डायरेक्शन में इसका जो है डिस्प्लेसमेंट भी हुआ ठीक है ये यहां से यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया साइमल्टेनियसली जब हम बुक को ग्राउंड से या बुक को एक टेबल से उठा के इस डिस्टेंस तक हमने लाया साइमल्टेनियसली एक और अपोजिट फोर्स लग रहा है उस बुक पे जो इस बुक को कह रहा है कि तुम नीचे वापस आओ व्हाट्स दैट टाइप ऑफ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी गुड सो दट इज ग्रेविटी तो एक फोर्स लग रहा है दैट इज ग्राविटी और दिस ग्रेविटी जो है ये अपोज कर रहा है अपोज कर रहा है सो so, यहां पर जो हमने फोर्स लगाया और वो इतना फोर्स है कि इसने इसको डिसप्लेसमेंट भी करा सो दिस इज दर्क एंड दिस इज अ पॉजिटिव वर्क यहां से पॉजिटिव वर्क हो रहा है और जो इसको अपोजिट फोर्स लग रहा है दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो इसको अपोज कर रहा है और उससे भी जो हमें मुश्किल हो रहा है इसको लिफ्ट करना यानी एक्चुअली जो वेट होता है दैट्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो वेट जो है बेसिकली वो ग्रेविटेशन का अपोजिशन होता है तो वो उसकी वजह से जो वर्क हो रहा है दैट इज दैट वर्क इज नेगेटिव ये है फर्क पॉजिटिव वर्क में जहां से हमारा फोर्स लग रहा है और हमारा मोशन भी हो रहा है तो वो पॉजिटिव होता है और जो उसको अपोजिट फोर्स होता है इज़ नेगेटिव। ओके हो गई बात। अब हम आज जो है इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज एनर्जी तो एनर्जी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं एज वी ऑलरेडी नो एनर्जी क्या चीज होती है हमने कल भी बोला कि लाइफ जो है लाइफ जो है इसको सस्टेन करने के लिए बरकरार रखने के लिए लाइफ और लिविंग्स दे नीड एनर्जी दे नीड एनर्जी और लाइफ जो है लाइफ जो है इट्स नॉट पॉसिबल इट्स नॉट पॉसिबल विद आउट विद आउट हिट ओके इस एनर्जी के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं हर काम में हर काम के लिए मेरे ये बोलने के लिए भी वो नीड एनर्जी एंड एनर्जी अभी एनर्जी कहां से आता है वाई डज इट कम फ्रॉम दिस एनर्जी वायर Does इट कम फ्रॉम ये कहां से आता है इसको समझने के लिए हमें याद होना चाहिए कि सबसे बड़ा सोर्स जो हमारे पास है द बिगेस्ट सोर्स वी हैव बिगेस्ट सोर्स जो एनर्जी का होता है दैट इज सन वो सन होता है यानी सन जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का और इसके इसके अलावा और भी कुछ सोर्सेस है एनर्जी का यानी एनर्जी इनमें भी प्रेजेंट होता है लाइक वी हैव न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऑफ एटम्स एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर भी जो है एनर्जी होती है ऐसे ही अर्थ के इंटीरियर भी अर्थ के अंदर भी एनर्जी होती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ इसके अंदर भी एनर्जी होती है ऐसे ही आप समझो जो समुद्र से टाइड्स उठती है दैट वी कॉल टाइडल एनर्जी टाइड्स ऑफ द ओशंस और सी टाइप्स ठीक है एक्सेट्रा बहुत सारे yes. जो है विंड एनर्जी है सोलर एनर्जी है इलेक्ट्रिक एनर्जी है केमिकल एनर्जी है बहुत सारे टाइप्स के एनर्जी है तो बिगेस्ट सोर्स जो है जो जमीन पे सबसे बड़ा सोर्स है उट इट लाइक फोटोसेंस होता है वहां पे एनर्जी जो सन की निकलती है दैट इज कैप्चर्ड बाई द प्लांट्स वहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल लाइट का यूज करके लाइट की एनर्जी को हार्वेस्ट करके एक उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में और वो ऑर्गेनिक केमिकल फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के फूड बनता है हमारे लिए वही फूड जो है हमारे लिए एनर्जी होता है दैट्स द एनर्जी कम्स फ्रॉम सन यही होता है अब जो वर्क एनर्जी है ये बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं आज हम इसका प्रिसाइज देखते हैं कि एनर्जी बेसिकली क्या है ये इसकी क्या रिलेशन है वर्क के साथ ठीक है ये हम समझते हैं सो लेट्स टेक टेक एन एन एग्जांपल एग्जांपल लेट्स एग्जांपल है सबसे पहला एग्जांपल है सो वी हैव अ क्रिकेट बॉल वी हैव अ क्रिकेट बॉल तो ये क्रिकेट को बॉल जो है ये बहुत फास्ट आई तो इट

इसका थोड़ा सा टच ही बैट के साथ लगता है तो एज चला जाएगा वहां चला जाएगा यहाँ चलेगा एंड विद ग्रेट फोर्स एंड इट गेट्स इट गेट्स अवे ये दूर जो है फैंक दी जाती है इट गेट्स थ्रोन अवे तो इसमें कोई एनर्जी थी तो बैट की बैट का हल्का सा इसको शॉर्ट लगा तो बॉल कहां से कहां पहुंच गई दूसरी एग्जांपल अगर हम कोई चीज लिफ्ट करते हैं इफ लिफ्ट

साइंस इज सो दिस लिफ्टिंग सो इट्स कैपेबल अब ये जो चीज हमने ऊपर उठाई इट्स कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क ये जो चीज हमने लिफ्ट करी ऊपर उठाई इसकी एक कैपेबिलिटी होती है अब इसके अंदर जो है एक ताकत आ जाती है कि ये खुद से काम कर सकता है इफ वी कोट एन एग्जाम्पल हम किसकी बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं विज वी हैव इफ वी टॉक अबाउट अ हैमर अगर हम हैमर जो है ऊपर उठाते हैं उसका अपना वजन होता है उसको हमने लिफ्ट किया एंड वी रिलीज इट जो ही ये टक्कर खाता है नेल्स के साथ जो ही ये नेल्स के साथ टक्कर खाता है सो so, नेल जो है ये कहा चले जाते इट गोज इन साइड वुड और से टारगेट जिस टारगेट पे नेल हमने रखा है हैमर का उसको टच ही होता है जो हम हैमर को लिफ्ट करते है, उसको रिलीज करते हैं हैं उसको रिलीज़ तो उसका हिट ही की वजह से नेल जो है अंदर चला जाता है ठीक है तो ऐसे ही जब हम किसी गाड़ी को जो है विंडिंग करते हैं या उसको फूक मारते हैं तो वो भी मूव करना करना स्टार्ट करता है ऐसे अगर बलून को हम ऐसे स्क्रीज करेंगे बलून को हमने हाथ में उसमें उसके अंदर जो है हमने हवा भरी बलून को हमने स्क्रीज किया तो जो ही उसकी शेप चेंज हो जाती है और जो ही हम उसको रिलीज करते हैं वो अपनी शेप वापस पकड़ लेता है और अगर हम बलून को ज्यादा प्रेशराइज करेंगे ज्यादा प्रेशर डालेंगे ज्यादा उसके अंदर ऊपर वजन डालेंगे तो वो एक्सप्लोड हो सकता है तो इस एक्सप्लोजन से एक साउंड बनता है इस एक्सप्लोजन से जैसे एक वेव जैसी चलती है सो वट इज दैट डज दैट कम फ्रॉम इससे क्या हो गया ये क्यों चल गया हमने किसी गाड़ी को छोटी सी छोटा बच्चा होता है वो कभी खेल रहा होता है उसने गाड़ी को ऐसे रखा होता है और वो पीछे जाके उसको फूक मारता है तो उसकी वजह से भी ये गाड़ी कैसे चल गई हवा हवा में इतनी क्या चीज थी वो क्या ताकत है वो फोर्स क्या चीज है तो ये सब ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमें आगे देखना है ठीक है अब एक एग्जाम्पल uh, हम कोड करते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट एन ऑब कैन राइट एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पॉजेस एनर्जी वो ऑब्जेक्ट जो कोई काम कर सकता है जैसे हमने हैमर को उठाया और वो कोई काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है नेल के ऊपर हिट करता है वो नेल अंदर चला जाता है ठीक तो जिस ऑब्जेक्ट का हम समझेंगे कि ये कैपेबल है ये कुछ काम कर सकता है तो डेफिनेटली उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी प्रेजेंट होता है तो एनर्जी उसके अंदर प्रेजेंट होगा तब वो डेफिनेटली कोई काम करेगा ठीक है ओके यहां पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विच डज द ये हमें याद रखना है विच डज द वर्क जो ऑब्जेक्ट जिसको हम समझते हैं इसके अंदर एनर्जी है वो कोई काम डेफिनेटली करेगा और जब इस ऑब्जेक्ट ने काम किया विच ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क उसने क्या वो क्या करता है इट लूज एनर्जी क्या करता है वो इट लूज लूज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जाए जैसे हैमर नीचे था वो खुद से तो ऊपर नहीं उठाना उसके ऊपर हमने काम किया तो उस वो क्या करता है जिसके ऊपर जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाए दैट गेन्स एनर्जी वो क्या करता है दैट गेन्स गेंस एनर्जी ये इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको याद रखने और आप इनफैक्ट अगर आप कॉपी भी बनाना चाहते हो तो ये लेक्चर्स रीड करके लिख के इनको अपनी कॉपी पे एक नोट्स बनाए आपने अपनी जगह पे रखा करो ठीक है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विद द एनर्जी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एनर्जी होती है इट एक्सर्ट्स एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एनर्जी होती है वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे अपना एक फोर्स जमाता है अपना एक फोर्स उनको देता है जिसके अंदर जो है एनर्जी होती है ये मैं आपको एग्जाम्पल से अभी समझा दूंगा तो बेसिकली जब ये किसी ऑब्जेक्ट को टच करता है तो वो उसको अपनी एनर्जी देता है और वो आगे चला जाता है जैसे आपने अपने जो है अगर आपने टेबल टेनिस नहीं आई डोंट नो वहां या पूल जो होती है गेम वहां पे आपने देखोगे वो बॉल्स होती है बहुत एक बड़े टेबल पे तो जब वो अः उसको स्ट्राइक किया जाता है एक बॉल को उसके अंदर एनर्जी आ गई वो एनर्जी धीरे धीरे दूसरी बॉल में ट्रांसफर हो जी, उसको हिट करता है कोलिजन होता है वो बॉल भी अपनी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं ऐसे बिखर जाए और ये कंटिन्यूअसली एनर्जी ट्रावल करते रहती धीरे धीरे जब तक ना कंप्लीट एनर्जी खत्म हो गए तब तक ये सारे एक दूसरे के ऊपर जो है टकराते रहते हैं और एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है सो so, जो जू ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो एनर्जी का बेसिकली वहां पे देर इज ट्रांसफर देर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ठीक है देर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो ही ट्रांसफर होता है एनर्जी का जो ये अदर ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर पहले ऑब्जेक्ट ने वजन डाला या उस पर फोर्स एग्जर्ट किया और उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर ट्रांसफर हो गई हमें कैसे पता चलेगा इट मूव्स दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी जगह अपनी पोजीशन अपनी शेप चेंज करेगा अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह चला जाएगा तो ये मूव करना चाहिए ठीक है सो okay so we can say so energy possessed by an object is thus measured in terms of In terms of capacity to do work। तो हम क्या कहेंगे फिर ये क्या होता है यानी so by an object is the measure of major in terms of capacity to do work। हम कब कहेंगे किसी object में energy है जब वो object कोई काम कर सके तब हम इसको कहेंगे इसके अंदर energy है अब जो कोई काम नहीं कर सकता इसके अंदर एनर्जी नहीं है ठीक है तो yes. यहां पॉइंट इंपॉर्टेंट है देर फोर यहां पर हम कंक्लूड करेंगे देर फोर यानी वो ऑब्जेक्ट काम कर सकता है इसीलिए देर फोर यूनिट ऑफ एनर्जी जो है इज इक्वल टू जो वर्क का होता है यूनिट उसी के बराबर है और वर्क का हमने कल देखा इसका यूनिट क्या होता है इट इज जूल जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं इसका मतलब एनर्जी का भी यूनिट जूल होगा ठीक है तो हम वन जूल को कैसे डिफाइन करेंगे व्हाट इज वन जूल व्हाट इज वन जूल सो वी कैन राइट इट वन जूल इज वो एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डू वन जूल ऑफ वर्क जूल ऑफ वर्क ठीक है क्योंकि इसका भी यूनिट जूल है उसका भी यूनिट जूल है एनर्जी और वर्क जो है इसका भी यूनिट वो जूल है इसका भी यूनिट यानी एक जूल ऑफ एनर्जी कितना होता है वो इतना एनर्जी होता है जो हमें जरूरत है और इससे हमें एक जूल का काम कर सकता है ठीक है yes, और हम मोस्टली जब हम यूनिट्स लेते हैं जब हम इसका लार्जर यूनिट लेते हैं तो लार्जर यूनिट जो है इसका वो हम लेते हैं किलो जूल्स और एक किलो किलो जूल जो है एक किलो जूल जो है वो होता है थाउजेंड जूल्स के बराबर ठीक ये बात समझ आई ओके नाउ अब हम आगे चलते हैं अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को देखते हैं नाउ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एनर्जी हमने जैसे पहले स्टार्ट में कहा था कि बहुत सारे फॉर्म्स की एनर्जी होती है तो कौन कौन सी टाइप की एनर्जी होते है लेट सी फर्स्ट जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी जो मशीन्स में हम देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी इट्स बेसिकली मेड अप ऑफ टू थिंग्स इसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दो चीजों का बना होता है मैकेनिकल ठीक है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दूसरे टाइप का एनर्जी जो है जिसको हम कहेंगे हीट हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट एनर्जी तो हो गई दो yes. तीसरा जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी ठीक है तीसरा फोर्थ जो है हमारे पास दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जो हमारे पास फिफ्थ है दैट इज लाइट एनर्जी जैसे हम पता है सन तो लाइट एनर्जी जो हमने जूल का कॉन्सेप्ट अभी देखा जूल बेसिकली जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जूल जो कि हम एक एज यूनिट ले लेते हैं यूनिट ऑफ किस किस का है वर्क एंड एनर्जी वर्क का भी है और एनर्जी का भी ये ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली दिया था एक साइंटिस्ट ने उनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल का नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल तो इनका जो फील्ड था वो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मोडायनामिक जो है फील्ड था एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे तो इन्होंने इस पे काम किया था एनर्जी पे तो इनने फिर इन्हीं के नाम पे एनर्जी और वो का जो यूनिट है दिया गया अब हम सबसे पहली फॉर्म जो एनर्जी की है वो हम समझेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते क्विकली सबसे पहला फॉर्म जो एनर्जी का है दैट इज सबसे पहला फॉर्म जो एनर्जी का है ओके सो स्टडी दैट इज काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या है ठीक है काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या है इसको हम देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होता है लेट्स सी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बड़ी सी बारी सी बॉल है उस बॉल को हमने लिफ्ट किया और उसको हमने रिलीज किया नीचे जो ग्राउंड है जिसके ऊपर हम रिलीज कर रहे हैं वो या तो वो मड्डी ग्राउंड है या तो ऐसी सैंड है जो गीली है जो वेट सैंड है या तो मड्डी लैंड है या तो ये चलो हम एग्जाम्पल पहले लिख लेते ताकि हमें आसानी हो जाए सो अवी बॉल वी हैव हैवी बॉल एंड वेट ठीक है चलो ये है हमारे पास एक बॉल ये हमारे पास एक बॉल जो कि एक बॉल है और ये क्या है ये एक हैवी बॉल है ठीक है और ये हमारा ग्राउंड है ये हमारा ग्राउंड है इस बॉल को हमने इतना लिफ्ट किया है इतना लिफ्ट किया है सो so, इतनी हाइट पे ऊपर हमने उसको उठा रखा है तो हम इस बॉल को क्या करते हैं हम इस बॉल को इस हाइट से रिलीज करते हैं इस हाइट से इसको जो ही हम रिलीज करते हैं व्हाट हैपेंस तो ये बॉल जो ही सैंड पे वो की गीली सैंड है उस पे जो ही हमने इसको ड्रॉप किया फॉर एग्जाम्पल ये अभी जो है हम लेट सपोज इट्स ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर जो है जमीन से ऊपर है और ये हैवी है और नीचे जो ग्राउंड है ये क्या है ये थोड़ा सा सॉफ्ट है जो ये हैवी बॉल इसको टच करेगा व्हाट विल हैपन सो इट विल क्रिएट अ डिप्रेशन एक डिप्रेशन जैसा yes. एक ठीक है एक डिप्रेशन जैसा ये क्रिएट करेगा ठीक है नाउ विल डू वन मोर थिंग तो हम हाइट बढ़ा लेते हैं चलो लेट सपोज इट हैज रीच द हाइट ऑफ दिस मच तो हमारी बॉल अभी यहां है और ये जो हाइट है ये कितना है लेट्स इज द हाइट इट्स राइट नाउ स्टैंडिंग एट दिस मच हाइट और ये जो हाइट है लेट सपोज दिस इज फिफ्टी दिस इज 50 सेंटीमीटर अब हम सेम ग्राउंड है इस बॉल को हमने दूसरी जगह उसी जगह नहीं अब दूसरी जगह ले गए इस बॉल को जो कि हैवी है सेम बॉल है इसको हमने रिलीज किया बट हाइट बढ़ा दी व्हाट विल हैपन आपके हिसाब से क्या होगा टर्न और ज्यादा अंदर गुड तो ये क्या करेगा ये सेम बॉल थी ये थोड़ा सा और डीप जो है अंदर जो है चला जाएगा लेट सपोज हमने इसको और बढ़ा दिया हमने इसको हमने इसको और हाइट दे दी लेट सपोज ये यहां तक हमने इसको उठाया सेम बॉल है वाट विल ज्यादा और ये फिर से जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये जो है और डीप जो है इसका डिप्रेशन और डीप होता जाएगा तो एक बात होगी जो हमने समझा तो ये क्या है बॉल तो सेम है ना इसका वजन तो वही है ना अब यहां पे क्या हो गया किस वजह से ये डिप्रेशन डीप बन रहा है हाइट इंक्रीज अब हाइट बढ़ा रहे हैं तो हाइट बढ़ाने से क्या हो गया ग्रेविटी का ग्रेविटी का पुल तो सेम है ना yes. जु हम दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो एक टाइम ट्रावल इसको बढ़ रहा है जितना ज्यादा इसको टाइम ट्रावल बढ़ेगा नीचे आने में इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है यानी जो जितनी ज्यादा स्पीड से चलेगा वो उतना ज्यादा काम करता है ये याद रखना बुलेट ठीक let oh है बुलेट है

स्पीड uh, जितनी स्पीड ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा होता है यानी जो जितना ज्यादा मोशन में होगा उसका उतना ज्यादा काम करेगा दिस इज अ वर्क ये काम हो रहा है यानी ये जमीन ऐसे थी इसको ये नीचे ले गया ये जमीन ऐसे थी इसको और नीचे ले गया ये जमीन ऐसी थी इसको और नीचे ले गया सो दिस दिस इज अ वर्क ठीक है ये एक काम है सो वट वी इन्फर वट वी इन्फर वी राइट इट व या हमें जो समझ आया वही इनफर हमें क्या समझ आया फ्रॉम दिस लेट्स राइट इट सो वह इनफर मूविंग ऑब्जेक्ट्स कैन डू वर्क कर रहा है जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो काम करते हैं जैसे हैमर की बात की थी ऐसे बॉल की एग्जाम्पल मैंने दी तो हम विल राइट इट मूविंग ऑब्जेक्ट्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स कैन कैन डू मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो काम कर सकते हैं और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये क्या है कि ऑब्जेक्ट्स मूविंग फास्टर ऑब्जेक्ट्स मूविंग फास्ट फास्टर कैन डू मोर वर्क देन ऑब्जेक्ट्स रिलेटिवलीग्जाम्पल जो धीरे धीरे चल रहा था उसका काम जो है वो उतना ज्यादा असर मुसर नहीं होगा उतना ज्यादा इंपैक्ट उसका नहीं होगा जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड होगी उसका उतना ज्यादा इंपैक्ट होता है लेट्स गिव एन एग्जाम्पल्स लाइक इफ यू हैव एन एग्जाम्पल लेट्स सपोज मूविंग बुलेट ंग बुलेट इट एक एग्जाम्पल है ऐसे ही ब्लोविंग विंड जितना ज्यादा ब्लो करेगा उसका उतना ज्यादा असर होगा अभी हम देख लेते हैं कि इसका क्या असर है ऐसे ही रोटेटिंग व्हील्स ऐसे ही स्पीडिंग स्टोन ये कुछ एग्जाम्पल्स है ये जो सारे हैं, जितने भी ये मूवमेंट्स है इन सारे मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है सो दीज ऑल दे ऑल कैन डू वर्क लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड लाइक दिस जो मूविंग बुलेट है ये क्या कर सकता है जब ये मूव कर रहा है और बैरल से निकला सो इट कैन पियर्स इट कैन कॉज अ होल इट कैन पेयर्स अ टारगेट ये बॉडी के आर पार जा सकता है टारगेट को अपने छेद कर सकता है ठीक है ऐसे ही ब्लोविंग विंड yes. जितनी अच्छी ब्लो कर रही होगी विंड इससे भी एक काम होता है लाइक वी कैन गोट एन एग्जाम्पल लाइक जो हमारे पास विंड मिल्स होती है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो वो बिकॉज ऑफ द ब्लोविंग विंड वो इलेक्ट्रिसिटी बना पाते हैं उसके ब्लेड जो है वो फैन जो है वो चलता है थीक? ऐसे रोटेटिंग व्हील जो जो wheel जितना ज्यादा रोटेट करेगा उसका जिस मशीन में भी wheel लगा होगा या गाड़ी में wheel लगा होगा, उतनी करेगा के अंदर move, जो wheel लगा होता है अगर वो उसके कोई लगे होंगे तो वो ज्यादा रोटेट करेंगे तो ज्यादा काम होगा स्पीडिंग स्टोन स्पीड स्टोन जितनी स्पीड से आएगा उसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा उसका उतना ज्यादा असर होगा ठीक है तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स yes. है ये जो सारे मूविंग ऑब्जेक्ट है दीज ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं सो दीज ऑल दे पॉजेस एनर्जी बेसिकली तभी काम कर पाते हैं दे पॉजेस वॉट दे पॉजेस एनर्जी के अंदर एनर्जी होती है दैट्स वाई एंड जी ये जो एनर्जी इनके अंदर होता है जो हमें नजर नहीं आता ये जो एनर्जी इनके अंदर होता है दिस एनर्जी इज कॉल्ड द कानेटिक एनर्जी इसी एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इसी एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी जिस एनर्जी से वो काम कर पाते हैं उसी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पॉजेस बाय द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द मोशन जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है पॉजिस्ट बाय द ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये होता है इज ड्यू टू ड्यू टू द मोशन यानी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है उसके अंदर एनर्जी आ जाती है और उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और एक और बात जो ये काइनेटिक एनर्जी होती है के ई लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्पीड के इसका मतलब हो गया जिसकी ज्यादा स्पीड होगी उसकी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी जिसकी ज्यादा स्पीड होगी उसकी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी जैसे हमारे पास जो है फॉलिंग कोकोनट होता है कोकोनट पेड़ से गिर गया ऐसे हमारे पास स्पीडिंग कार है ऐसे हमारे पास फ्लोइंग वाटर है ग्लोविंग विंड है ये सारे रनिंग एथलेट है ये सारे जो है एग्जाम्पल्स है काइनेटिक एनर्जी है आगे काइनेटिक एनर्जी का हम और कल देख लेते हैं और फिर बाकी जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो कल देख लेते हैं आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर ओके समझ आया थैंक यू सो मच